मिसेस कौशिक की पांच बहुएं। बुखार बहुत ज्यादा है, करीबन 104 डिग्री। मेरे ख्याल से तुरंत इसे एडमिट करना होगा। आप लोग ठंडे पानी की पट्टी करना शुरू कीजिए, मैं एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी भेजो एम्बुलेंस। लवली जाओ तुम जाकर ठंडा पानी और पट्टी ले आओ। जी मासा। एम्बुलेंस आती होगी। बच्चा बहुत तकलीफ में है, हमसे तो इसकी तकलीफ सही नहीं जा रही। मुझे बच्चे के सामने रोना ठीक नहीं लगता। और आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप उठिए, मैं कर देती हूँ ये सब। नैना ने ऐसा क्या किया जो लकी ठीक होगी? ठीक तो है ना? मम्मी जी मुझे बुखार तो बहुत कम हो गया है। हे भगवान। बेटा तुम्हारे हाथों में तो जादू है, देखो हाथ लगाते ही हमारी लकी का बुखार उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो भोले बाबा की कृपा है। मैं उन्हें धन्यवाद कहकर आती हूँ। मत करो दीदी, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी, मन लेकर चली जाऊंगी। ये नींद में क्या बड़बड़ा रही है नैना? नैना नैना नैना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। लकी का बुखार अपने अंदर खींच लिया? हाँ, कोई तरीका नहीं था दीदी, जादू से
हाथ की सफाई दिखाई जा सकती है, कर्मों का हिसाब नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने लकी की बीमारी अपने अंदर खींचकर उसे बुरे वक्त से बचा लिया। उस सपेरे ने तुम्हें पहले कितना कमजोर कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमने लकी का बुखार अपने अंदर खींच लिया। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना? कोई बात नहीं दीदी, अपनों के लिए तो इतना करना पड़ता ही है। नैना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम्हारी कमजोरी पर तरस खाए बिना मैंने तुम्हें यहां से जाने को कह दिया, लेकिन फिर भी तुमने लकी को एकदम अच्छा कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो क्यों किया? तो मैं क्या करती दीदी, माजी को कितना भरोसा है मुझ पर, उनके विश्वास को यूं ही तोड़ देती मैं। हम सबका बहुत उपकार है मुझ पर, इसलिए जब तक सांसों में सांस है इस परिवार को हर परेशानी से बचाती रहूंगी। अचानक इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? हाँ, अच्छी भली थी, फिर अचानक इतनी तेज बुखार कैसे चढ़ गया इसे? भाभी, वो मौसम बदल रहा है ना, इसलिए बुखार चढ़ गया नैना को। मैं अभी मासा को बता के आती, जल्दी जाओ। कितना बुखार है इसे? बहुत तेज बुखार है अम्मासा। ऐसा करो, इसे ना अम्मासा के कमरे में ले जाओ, जमीन बहुत ठंडी है, बुखार बढ़ जाएगा। जी मासा। लवली उठाओ, नैना उठो, उठो। इंसान कहलाऊंगा, पूरी दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी, मैं उस नागिन को नरक में तड़पाऊंगा। उस नागिन का मैं वो हशर करूंगा जो उसके पति का किया था मां। क्या गुरुजी, आप भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, असल में आप उस नागिन से डरते हो, तभी तो उस दिन वहां से ऐसे भाग कर आए थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। मूर्ख, मैं उस नागिन से डर कर नहीं भागा, बल्कि उस परिवार के सुरक्षा कवच की वजह से डर के यहां पे आ गया था, समझे? लेकिन तू नहीं समझेगा, अब मैं तुझे समझाऊंगा।
तेरी दुष्टता के लिए अब मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। गुरुजी माफ कर दीजिए, गुरुजी बेचारा नादान है। गुरुजी मुझे माफ कर दो गुरुदेव, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ करूंगा। बुखार अब उतर गया है। भोलेनाथ की कृपा है कि अब बुखार उतर गया। बेटा अब तुम आराम कर लो, हम चलते हैं। चलो बिंदड़ियों, आओ आराम नाल आराम करना। नैना ये दूध पी लेना और पानी भी रखा है पी लेना, ठीक है? बाबा आपकी कृपा से आज तक मैंने अपना धर्म निभाया, अपने प्राणों से बढ़कर आपके मणि को सहेजा है, पर अब मेरी हिम्मत टूट गई है। मुझे शक्ति दो भोले बाबा ताकि मैं मणि की रक्षा कर सकूं। जल्द से जल्द मणि को ढूंढकर इस घर से जा सकूं ताकि मेरे कारण इस परिवार को और कोई तकलीफ ना हो। मदद करो भोले बाबा। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती और तुम पहले की तरह ताकतवर नहीं हो जाती, तुम यही रह सकती हो हम सबके साथ। ये बात सच है कि डर ने मुझे स्वार्थी बना दिया था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी जान दे दोगी लेकिन हमें तकलीफ नहीं होने दोगी। लेकिन नैना तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा नैना बनकर इस घर में रहोगी और किसी के सामने भी अपने नागिन के रूप में कभी नहीं आओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुमसे कोई भी डरे या तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचे। वादा करो मुझे। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं हमेशा सबके सामने नैना बनकर ही रहूंगी। वादा करती हूँ। अब मैं भी देखता हूँ और कितने दिनों तक खुश रहोगे तुम। अब एक काम करती हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मणि ढूंढेंगे। नहीं नहीं, मणि मैं खुद ढूंढ लूंगी, तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है, और नैना अब हम दोनों के बीच ना सारे गिले शिकवे एकदम दूर हो गए हैं, तो कुछ खास करते हैं। एक काम करते हैं, कल सबके उठने से पहले ना हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, कुछ खास, सबको बहुत मजा आएगा। हाँ अच्छा ठीक है, बताओ क्या बनाना है। नहीं तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। मुझे मुझे दूध मलाई कोफ्ता मलाई पनीर घी। बस मैं समझ गई, तुम्हें दूध की बनी हुई हर चीज पसंद है, तभी तो मैं कहूँ कि आजकल घर में दूध की इतनी हेरा फेरी कैसे हो रही है। क्या करूँ, मुझे ना दूध बहुत पसंद है, जब भी मैं दूध को देखती हूँ ना अपने आपको रोक ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। नैना तुम दूध
उबालो, बाकी सब काम मैं कर लेती। अरे अरे अरे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, मुझे बताओ क्या बनाना है, सब कुछ मैं बनाऊंगी। बोलो। नैना, हमें बहुत कुछ बनाना है, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी, खीर, रायता, सलाद, बहुत कुछ बनाना है, तुम अकेले कैसे बनाओगी? बस इतना ही। अब देखो मेरे जादू का कमाल। बनाने का सामान वो कहाँ से आया होगा और सामान का पैसा वो किसने दिया होगा? ये सब मैं नहीं सोचती, मैं तो बस जानती हूँ कि अब मैं जादू करती हूँ तो ये सब आ जाता है, अब कहाँ से आता है अब ये सब मैं नहीं सोचती। और क्या फायदा, हमें जो चाहिए था वो तो आ गया ना, अब बता और कुछ चाहिए? अब एक सेकेंड, खीर वो तो है ही नहीं। किसी और डेकोरेशन में। अच्छा हाँ। ये लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। नैना, एक बात कहूँ, तुम खाना ना बहुत अच्छा बनाती हो और बहुत सुंदर भी, तुम तो एकदम कमाल हो। चलो। हाँ चलो। सारा नाश्ता तुम दोनों ने इतनी जल्दी बना लिया? कहना भाभी, ये सब ना नैना ने अपने ढोला रे ये सब नैना ने बनाया है अपने हाथों से, मैंने तो बस इसकी हेल्प की है। हाँ भाई वाह 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 वा, भाई क्या बात है, वाह खुशबू से हमारी भूख तो डबल हो गई है। बाबूजी, आप सोच क्या रहे, शुरू कीजिए ना। क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। वाकई ये समोसे तो इतने खस्ता हैं कि नथुलाल हलवाई भी फेल है इनके आगे। सच में नैना, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन बीमारी से उठते ही इतना सारा काम करने की क्या जरूरत थी, दो चार दिन आराम कर लेती। वो क्या है ना माँ जी, मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है,
यूं ही खाना बनाती रहूंगी ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और ये सैलेड देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी 5-स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। क्यूरी और फ्रूट्स वो भी तो कितनी ब्यूटीफुली कट की है ना, वंडरफुल। अरे नैना ले तू भी खा। जीती रहे।